वे कहते हैं सभी धर्म समान हैं। प्राचीन एस्टेक पुजारियों के अनुसार भगवान त्लालोक को निरंतर मानव बलि की आवश्यकता थी। अगर ये बलिदान नहीं किए गए तो बारिश रुक जाएगी और फसलें मर जाएंगी। लेकिन त्लालोक को विशेष रूप से बाल बलि की जरूरत थी और ये बच्चों के खून से धरती को गीला करने के लिए पर्याप्त नहीं था। त्लालोक को उनके आंसुओं की भी आवश्यकता थी। यदि बलि देने वाले बच्चे पर्याप्त रूप से नहीं रोते थे तो पुजारी उनके दांत या उनके नाखून निकाल देते थे ताकि उनके बलि देने से पहले दर्द की अधिकतम चीख सुनिश्चित हो सके। हिंदू शास्त्रों में वर्णित एक पवित्र अनुष्ठान इतना अश्लील है कि हिंदू विद्वानों ने इसका अनुवाद करने से इनकार कर दिया। बाद में वेंडी डोनिजर जैसी पश्चिमी शिक्षाविदों ने हिंदू पवित्र वेद शास्त्रों के पूर्ण अनुवाद प्रदान किए हैं जो अश्वमेध नामक इस चौंकाने वाले प्रजनन अनुष्ठान का वर्णन करते हैं। हम शास्त्रों के उदाहरणों के साथ अब आपके लिए अनुष्ठान का वर्णन करेंगे, लेकिन दर्शकों के विवेक की सलाह दी जाती है। अनुष्ठान जब शुरू होता है जब एक घोड़े को दम घोट कर मार दिया जाता है। राजा और उसकी चार रानियां प्रार्थना करते हुए मृत घोड़े के चारों ओर घूमते हैं। प्रमुख रानी कहती है, हे घोड़े, आप अपने अच्छे गुणों के आधार पर समुदाय के रक्षक हैं, आप सुख के रक्षक हैं। हे घोड़े, तुम मेरे पति बन गए हो। जब प्रार्थना पूरी हो जाती है तो मुख्य रानी घोड़े के बगल में लेट जाती है। जैसा कि पुजारी देखते हैं, वे मरे हुए घोड़े के जननांग को खींचती है और उसे अपने अंदर रखती है। वे फिर पवित्र प्रार्थना पढ़ती है, यह घोड़ा मुझ में वीर्य छोड़ सकता है। राजा फिर एक और पवित्र प्रार्थना करता है, हे घोड़े, कृपया मेरी पत्नी के गुदा के ऊपरी भाग में वीर्य फेंको, अपने लिंग का विस्तार करें और इसे योनि में डालें। हरिवंश पुराण के अनुसार हिंदू देवता इंद्र अनंत रानी के साथ संभोग करने के लिए मृत घोड़े के शरीर में प्रवेश करते हैं और राजा उसे देखता है। रानी की पूरी रात अपने अंदर मृत घोड़े के जननांग के साथ बिताने के बाद अनुष्ठान पूरा हो जाता है। इस प्रकार हिंदू राज्य के लिए जनन क्षमता सुनिश्चित होती है। एक उदाहरण में राम की माता की भी इस विशेष अनुष्ठान में भाग लेने की सूचना है। आप सोच सकते हैं कि यह हिंदू धर्म में एक मामूली प्रथा होगी, लेकिन कई पवित्र हिंदू मंदिर जैसे भारत के खजुराहो मंदिर अपने पवित्र दीवारों पर पशुता या बीस्टियलिटी और समूह सेक्स के इन कृत्यों को दर्शाते हैं। अब आप कह सकते हैं कि सभी धर्म समान हैं, लेकिन किन अन्य धर्मों में बाल बलि और मृत घोड़े की पशुता या बीस्टियलिटी शामिल है? ये चौंकाने वाले उदाहरण हैं, लेकिन यहाँ एक गहरी सच्चाई है। जिन धर्मों में पशुता या बीस्टियलिटी, मानव बलि और बाल यातना शामिल है, वे सभी बहुदेववादी या पॉलीथियस्टिक हैं। बहुदेववाद इन प्रथाओं के अनुकूल क्यों है?
सभी धर्म में, इस्लाम अपने सभी रूपों में बहुदेववाद के कठोर निंदा में अनोखा है। कोई भी धर्म बहुदेववाद के खिलाफ इतना सख्त रुख नहीं अपनाता है। इस्लाम सिखाता है कि सबसे बड़ा अन्याय बहुदेववाद या शिर्क है और सबसे बड़ा गुण सख्त एकेश्वरवाद या तौहीद या मोनोथियिज्म है। लेकिन एक से अधिक देवताओं की पूजा करने में इतना अन्याय क्या है, और एक ईश्वर की सख्ती से पूजा करने के बारे में नैतिक रूप से अच्छा क्या है? हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें बहुदेववाद की बुराई को छुपाया है। लोग सोचते हैं कि इस्लाम और बहुदेववाद जैसे एकेश्वरवादी धर्म के बीच एकमात्र अंतर यही है कि मुसलमानों की मस्जिदें हैं जिनमें मूर्तियां नहीं है, जबकि हिंदुओं, बौद्धों और बाकी बुद्ध परस्तों के पास रंगीन मूर्तियों वाले मंदिर हैं। इस अंतर के बारे में इतनी चिंता क्यों करें? इसमें क्या बड़ी बात है? यदि आप कई देवताओं में विश्वास करते हैं बजाय एक सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास करने के, तो इसका आपके मनोविज्ञान पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बहुदेववाद के विपरीत सच्चा एकेश्वरवादी अर्थात मुस्लिम केवल एक सर्वशक्तिमान ईश्वर की पूजा करता है। इसी एक ईश्वर ने उसे और बाकी सभी चीजों को बनाया है। इस एक ईश्वर ने उसे वह आंखें दी है जिनसे वह देखता है, कान से सुनता है, हृदय उसकी छाती में धड़कता है और वस्तुतः उसके पास जो कुछ भी है उसका एकमात्र प्रदाता है। यह समझ ईश्वर और आस्तिक के बीच एक बहुत ही विशिष्ट गतिशीलता पैदा करती है, जो कि गहन प्रेम और गहरी कृतज्ञता की भावनाओं पर निर्मित एक रिश्ता है। आस्तिक यह जानकर पूर्ण प्रशंसा की स्थिति में है कि वह जो कुछ भी है, जो कुछ भी उसके पास है, जो कुछ भी वह कभी भी पहुंचेगा, वह एक ही ईश्वर से है। जब लोग ये स्वीकार करते हैं कि उनके द्वारा अनुभव किए जाने वाला प्रत्येक सुख और आनंद एक ही प्रेम करने वाले ईश्वर की ओर से है, तो उनकी सारी प्रशंसा उसी की ओर केंद्रित हो जाती है। वे बदले में अपनी सभी पूजा को विशेष रूप से उसी को निर्देशित करते हैं। ये स्वाभाविक रूप से ईश्वर के साथ एक सुंदर संबंध पैदा करता है जिसमें अत्यधिक प्रेम, कृतज्ञता, भक्ति और आज्ञाकारिता होती है। ये कहा जा सकता है कि इस तरह का प्यार तो हर धर्म का हिस्सा है। ये झूठ है। ये हर धर्म का हिस्सा नहीं है। ये बहुदेववाद की बुराई को छुपाना है। बहुदेववाद में अधिकांश देवताओं की किसी व्यक्ति के जीवन में कोई भूमिका नहीं होती है। वे उस भोजन के लिए जिम्मेदार नहीं है जो आप खाते हैं, जिस हवा में आप सांस लेते हैं। वे ब्रह्मांड के उस क्रम के लिए भी जिम्मेदार नहीं है जो सूरज के उगने और अस्त होने को सुनिश्चित करता है। बहुदेववाद में अधिकांश देवता सीमित शक्ति के साथ स्थानीयकृत है। समुद्र के लिए एक देवता है, आकाश के लिए एक और देवता है, या आपके विशिष्ट परिवार के लिए एक छोटा देवता है। ये कमजोर देवता है जो आपको कुछ भी नहीं देते हैं। बहुदेववाद में देवता इतने कमजोर हैं कि अक्सर वे अपने पेट भी नहीं भर पाते हैं। उन्हें भोजन, शराब या रक्त के रूप में बलिदान की आवश्यकता होती है। इसी को चढ़ावा कहते हैं। कई मामलों में पारंपरिक बहुदेववाद में आत्मिक प्राणियों और राक्षसों को भी खुश करना शामिल है। उदाहरण के लिए आप समुद्री राक्षसों को भेंट चढ़ाते हैं ताकि वे आपकी नाव को नष्ट ना करें। बहुदेववाद के धर्मशास्त्र में आपको इन देवताओं से कोई लाभ नहीं मिलता है और उनकी पूजा करने का एकमात्र कारण उनकी बुराई से बचना है। आप इस तरह देवताओं से कैसे प्यार कर सकते हैं या उनके प्रति कोई कृतज्ञता कैसे रख सकते हैं? आपको इन देवताओं से नफरत भी हो सकती है। बहुदेववाद धर्मों में ये अंतर्निहित भद्दापन है। ये एकेश्वरवाद के बिल्कुल विपरीत है। प्रेम और कृतज्ञता से परे एकेश्वरवाद श्रद्धा और भय पैदा करता है। एक सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास करने की बात, जिसने आपको बनाया है और ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है, आपको भय के साथ साथ विनम्रता की भी मजबूत भावना देता है। यह एक प्राकृतिक मानवीय प्रतिक्रिया है। हम सभी स्वाभाविक रूप से डरते हैं और मजबूत अधिकारियों के सामने विनम्र होते हैं जिनके पास नुकसान या लाभ की बड़ी शक्ति होती है। यही कारण है कि एकेश्वरवाद आप में ईश्वर का भय डालता है। जब आप वास्तव में मानते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो आप ईश्वर की इस अवर्णनीय अचंभ से भर जाते हैं।
आप परमेश्वर की उसकी परम शक्ति को समर्पित होना चाहते हैं और उसकी पूर्ण अधिकार के सामने झुकना चाहते हैं। आप समर्पण की भावना से अभिभूत हो जाते हैं जो आपको उस उच्च सत्य, उस उच्च उद्देश्य के लिए सर्वशक्तिमान की भक्ति में समर्पित कर देती है। ये ऐसी भावनाएं हैं जो बहुदेववाद में मौजूद हो ही नहीं सकती। कोई एक केंद्रीय देवता नहीं है जिसके पास बहुदेववाद में सारी शक्ति है, बल्कि कई देवताओं में शक्ति का वितरण होता है और बहुत से देवता इतने कमजोर हैं, उन्हें रिश्वत और जादू से नियंत्रित किया जा सकता है। देवता इतने कमजोर हैं कि लोग उन्हें धमकी भी दे सकते हैं। आप एक देवता से कहते हैं, यदि आप मेरे लिए ऐसा नहीं करते हैं तो मैं आपके मंदिरों को नष्ट कर दूंगा। ऐसे डरपोक देवताओं के सामने आप कैसे नम्रता रख सकते हैं? ये बहुदेववादी धर्मशास्त्र ऐसे लोगों का उत्पन्न करता है जिनमें नम्रता व आत्मसंयम का अभाव होता है। यह लोग ईश्वरीय क्रोध के स्वस्थ भय से अभाव है, इसलिए हर बुराई में लिप्त होने के लिए स्वतंत्र महसूस करते हैं। इसी तरह यहूदी धर्म एक एकेश्वरवादी धर्म माना जाता है, लेकिन यह वास्तव में इस पहलू में बहुदेववाद से मिलता है। एकेश्वरवाद एक ओर एक सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास है, लेकिन दूसरी ओर एक सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास करने के परिणाम होते हैं। यदि आप वास्तव में मानते हैं कि इस एक ईश्वर के पास सारी शक्ति और ज्ञान है, तो ये एक ऐसा ईश्वर है जिस पर आप पूरी तरह से समर्पित करते हैं। ये कोई ईश्वर नहीं है जिसके साथ आप बहस करने की कोशिश करते हैं या चुनौती देते हैं या चालाकी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहूदी धर्म ठीक यही करता है। जिस तरह से यहूदी भगवान को चित्रित करते हैं, वे भगवान के साथ बहस करने, उसके खिलाफ तर्क जीतने, यहाँ तक कि उस पर विजय प्राप्त करने की धारणा का जश्न मनाते हैं। यह पारंपरिक यहूदी सिद्धांत तोरा स्वर्ग में नहीं है से आता है, जिसका अर्थ है कि धार्मिक कानूनों के निर्धारित करने में रैबाय या यहूदी पंडित के पास अंतिम अधिकार है और यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी उन्हें रद्द नहीं कर सकते हैं। तलमूद की अखनाई के ओवन की कहानी में भगवान स्वयं स्वर्ग से सीधे यहूदी पंडितों के एक समूह से चमत्कारिक ढंग से बात करके कानून बताते हैं, लेकिन यहूदी पंडित भगवान के कानून से असहमत है और तर्क देते हैं कि भगवान गलत है। कहानी के अंत तक भगवान स्वीकार करते हैं, मेरे बच्चों ने मुझे हरा दिया। इस तरह यहूदी धर्म में यहूदी पंडित भगवान से भी ऊपर के कानून निर्माता है और इस सिद्धांत को कथित तौर पर स्वयं भगवान ने स्वीकारा है। तलमूद के अनुसार भगवान स्वीकार करते हैं कि मुझे भी यहूदी पंडितों के आदेश का पालन करना चाहिए। ऐसे धर्म जो अपने देवताओं को मनुष्यों के अधीन करके उनका अपमान करते हैं, वे अहंकारी, उद्दंड और विद्रोही अन्यायों के पैदा करने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। ये फिर से एकेश्वरवाद के पूर्ण विपरीत है। भय, प्रेम और कृतज्ञता से आगे एकेश्वरवाद चट्टान ठोस निश्चितता पैदा करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एकेश्वरवादी भगवान की धारणा गहरी मानवीय अंतर्ज्ञान पर आधारित है, जिसकी हमने एपिसोड 2 में चर्चा की। सभी बच्चे सहज रूप से पहचानते हैं कि ब्रह्मांड में एक निर्माता है जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। ये सहज अंतर्ज्ञान एकेश्वरवाद के साथ बहुत अधिक प्रतिध्वनित होते हैं, लेकिन बहुदेववाद से टकराते हैं। जैसा कि मनोवैज्ञानिक स्वीकार करते हैं, ये बात एकेश्वरवाद को मानव मन के लिए अधिक सहज रूप से सम्मोहक बनाती है। इन अंतर्ज्ञानों का उपयोग एक ईश्वर में विश्वास को तर्कसंगत रूप से सही ठहराने के लिए भी किया जाता है। यही कारण है कि आपको एक ईश्वर के लिए कई दार्शनिक प्रमाण मिलते हैं, लेकिन आपको हनुमान या वानर देवता या जुलू, चंद्र देवी आदि के अस्तित्व के बारे में कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। बहुदेववादी देवता न केवल असहज है, वे वास्तव में अप्रिय है। उदाहरण के लिए प्राचीन इजिप्ट के धर्म के अनुसार उनके देवताओं का मंदिर तब बनाया गया था जब भगवान अतुम ने अपने लिंग से अन्य देवताओं को हस्तमैथुन किया था। बहुदेववादी मिथक इस तरह की गंदी, विचित्र या भ्रमित करने वाली चीजों से भरे हुए हैं जो देवताओं में लोगों की निश्चितता को नष्ट कर देते हैं। ईसाई धर्म के साथ मुद्दा यह है
कि उन्होंने ईश्वर की इस त्रिमूर्ति की अवधारणा को तैयार किया है जो भ्रमित करने वाला है। मामले को बदतर बनाने के लिए बाइबल परमेश्वर की परस्पर विरोधी धारणाओं को सिखाती है। पुराने नियम में चित्रित परमेश्वर की एक धारणा भक्तों को महिलाओं और बच्चों को मारने और निरसंहार करने का आदेश देती है। लेकिन नए नियम में यीशु के रूप में परमेश्वर भक्तों को दूसरा गाल फेरने के लिए कहता है। पुराने नियम में परमेश्वर भक्तों को व्यभिचारी को पत्थरवाह करने की आज्ञा देते हैं, लेकिन नए नियम में यीशु के रूप में भगवान कहते हैं कि केवल निर्दोष लोग ही मार सकते हैं। ये ऐसा है जैसे भगवान अपना मन ही नहीं बना सकते। ईश्वर की यह परस्पर विरोधी धारणा केवल भ्रम और संदेह पैदा करता है। यही मुख्य कारण है कि ईसाई समाज बार बार धर्म त्यागता और धर्म निरपेक्षता में गिर चुका है। हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि ईसाई धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसे अपने ही धर्म त्यागियों द्वारा इतनी अच्छी तरह से कुचल दिया गया था कि इसने धर्म निरपेक्षता और आधुनिक नास्तिकता को जन्म दिया। यह कोई संयोग नहीं है कि धर्म निरपेक्षतावादी मुसलमानों से कहते हैं कि उन्हें ईसाइयों का अनुसरण करना चाहिए। वे कहते हैं इस्लाम को ईसाई धर्म की तरह सुधार की आवश्यकता है। लेकिन ईसाई धर्म में सुधार हुआ क्योंकि उनके पास ईश्वर की ये बहुत ही भ्रमित करने वाली धारणा है जो एकेश्वरवादी अंतर्ज्ञान से टकराती है। लेकिन ये इस्लाम का मजबूत एकेश्वरवाद है जो मुसलमानों में निश्चितता पैदा करता है और उन्हें अपने धर्म में सुधार और उदारीकरण के धर्म निरपेक्ष प्रयासों को अस्वीकार कराता है। और जो बात इन्हें और भड़काती है वो ये है कि मुसलमान उपनिवेशक परियोजना के प्रति इतने प्रतिरोधी कैसे रहे हैं। उपनिवेशवादियों को मुसलमानों को बेचने और एकेश्वरवाद को त्यागने में बड़ी कठिनाई हुई है जो मुस्लिम जीवन का मुख्य आधार है। दूसरी ओर बहुदेववाद की बात करें, मान ले कि लोगों को ब्रह्मा पर विश्वास करना बंद कराना इससे आसान है। जिसने अपने ही बेटी का बलात्कार किया या हस्तमैथुन करने वाला देवता अतुम। थोड़े ही समय में उपनिवेशवाद ने दुनिया भर में हजारों बहुदेववादी धर्मों को मिटा दिया, आत्मसात कर लिया या उनमें सुधार किया। लेकिन मुसलमानों का अटूट विश्वास 200 से अधिक वर्षों से यूरोपीय उपनिवेशिक शक्तियों के पक्ष में कांटा रहा है। एकेश्वरवाद प्रेम, कृतज्ञता, नम्रता और निश्चितता पर आधारित इस सुंदर मनोविज्ञान का निर्माण करता है, और वह मनोविज्ञान ऐसे समाजों का निर्माण करता है जो अधिक ईमानदार, अधिक परोपकारी और अधिक सामंजस्य पूर्ण होते हैं। इन तथ्यों का हवाला एकेडमिक किताबें जैसे प्रोफेसर आरा नोरेंजियन द्वारा लिखी बिग गॉड्स में दिया गया है। इसके कई कारण हैं। सबसे पहले, एकेश्वरवादी नैतिक होने के लिए बहुत अधिक प्रेरित होते हैं क्योंकि वे ईश्वर से डरते हैं। यदि आप मानते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको किसी भी समय बिजली से झकझोर सकता है तो ये आपको अपने दैनिक जीवन में ईमानदार बनाए रखने वाला है। लेकिन आपको इस तरह का डर बहुदेववाद में नहीं मिलता जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं। दूसरा, एकेश्वरवाद में ईश्वर सर्वज्ञ है लेकिन बहुदेववादी देवता नहीं है। बहुदेववादी देवता कभी कभी इतने अज्ञानी हो जाते हैं कि उन्हें बरगलाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, ग्रीक धर्म में ज्यूस को प्रोमीथियस द्वारा बरगलाया गया था। हिंदू धर्म में भगवान शिव ने अनजाने में अपने ही बेटे का सर काट दिया क्योंकि उनकी पत्नी पार्वती के बिना उनके जाने एक बच्चा था। यह इन देवताओं की अज्ञानता का स्तर है। इसलिए यदि एक बहुदेववादी धोखा देता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, हत्या करता है या बलात्कार करता है तो उसे दैवीय प्रतिशोध की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि देवताओं को शायद इसके बारे में पता भी नहीं होगा। बढ़ी हुई बेईमानी और बहुदेववाद के बीच ये संबंध वास्तव में कई अध्ययनों में प्रतियोगात्मक रूप से सिद्ध हो चुका है। तीसरा, बहुदेववादी समाज अधिक अनैतिक है क्योंकि वे उन देवताओं की पूजा करते हैं जो स्वयं अत्यधिक अनैतिक हैं। ये विचार कि ईश्वर सर्व अच्छा है और नैतिकता का स्रोत है, यह एक एकेश्वरवादी अवधारणा है। ग्रीक बहुदेववाद में ज्यूस को अन्य देवताओं और अन्य लोगों को बहकाने और बलात्कार करने के रूप में चित्रित किया गया है। हिंदू धर्म में इंद्र, कृष्ण और कई अन्य देवताओं का धारावाहिक बलात्कारियों के रूप में चित्रित किया गया है। हिंदू ग्रंथ
भविष्य पुराण में बताया गया है कि कैसे विष्णु, शिव और ब्रह्मा ने मिलकर एक हिंदू ऋषि की पत्नी अनुसुईया के साथ सामूहिक बलात्कार किया। हिंदू भगवान काली को अक्सर कटे हुए सिर का हार और मृत शिशु भ्रूण की बालियां पहने हुए दिखाया गया है। एक हिंदू संप्रदाय अघोरी आज भी सड़े हुए मानव शवों के साथ संभोग करके देवी काली को यौन संतुष्टि देते हैं। किस तरह का समाज तब बनता है जब लोग देवताओं की पूजा करते हैं जो न केवल झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं बल्कि सीरियल रेपिस्ट और बच्चों के खून के प्यासे हत्यारे भी हैं। जब रीति रिवाजों में शव कामुकता या नेक्रोफीलिया, नरभक्षण या कैनिबलिज्म, पशुता और बाल यातना शामिल होती है तो किस तरह का समाज बनता है। वास्तव में अध्ययनों से पता चलता है कि भारत जैसे देशों में, उदाहरण के लिए, हिंदू आबादी का एक बड़ा प्रतिशत इन देवताओं से निवेदन करके बलात्कार और बाल बलि जैसे अपराधों को सही ठहराता है। अब इसके विपरीत मुस्लिम समाजों के साथ, क्योंकि इस्लाम में तौहीद इस मजबूत अधिक एकेश्वरवाद के रूप में है, मुस्लिम समाज में कम व्यभिचार या फॉर्निकेशन है, कम बेवफाई है, कम नशे के आदि हैं, कम हत्या करते हैं और आत्महत्या कम करते हैं, और आम तौर पर दोनों की तुलना में अन्य अनैतिक व्यवहारों से अधिक हद तक बचते हैं। लेकिन इस्लामी एकेश्वरवाद की खूबसूरती यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि एकेश्वरवाद गहरी आस्था पैदा करता है। इसका परिणाम मजबूत धार्मिक पहचान में होता है। धार्मिक पहचान के बजाय बहुदेववादी समाजों की मजबूत जातीय राष्ट्रवादी पहचान होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास ऐसे धार्मिक विश्वास नहीं है जो मजबूत हो या लोगों को जोड़ने के लिए पर्याप्त रूप से सम्मोहक हो। क्योंकि वे अपने विश्वासों पर निर्भर नहीं रह सकते, इसलिए बहुदेववादियों को साझा रक्त या संस्कृति जैसे अन्य चीजों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन इस्लामी तौहीद जातीयता, नस्ल या संस्कृति की परवाह किए बिना लोगों को एकजुट करता है। यही कारण है कि इस्लाम ये क्रांतिकारी शक्ति है। जैसा कि इस्लाम के इतिहास से पता चलता है, इसने सभी अरब जनजातियों को एक साथ लाया और पहले दिन से ही कई अन्य जातियों को एक मुस्लिम उम्मत में एकीकृत कर दिया। इस्लामी एकेश्वरवाद नस्लीय और जातीय मतभेदों के बावजूद जनता को एकजुट करने के लिए काफी मजबूत है। यही कारण है कि इस्लाम शुरू से ही सबसे अधिक नस्लीय विविधता वाला धर्म रहा है। अन्य धर्मों की इस्लाम के प्रति आलोचना अविश्वसनीय रूप से बेईमानी है जब वे ये कहते हैं कि निश्चित रूप से मुसलमानों की मजबूत धार्मिक पहचान है, लेकिन ये हमारे शांतिपूर्ण धर्मों के विपरीत उन्हें धार्मिक भेदभावों में संलग्न करता है। हाँ, इस्लाम लोगों के साथ उनके धर्म के अनुसार अलग तरह से व्यवहार करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुदेववादी या धर्म निरपेक्ष समाजों में भेदभाव मौजूद ही नहीं है। उनके पास भेदभाव का बोझ है, लेकिन धार्मिक भेदभाव के बजाय ये नस्ल, जातीयता या राष्ट्रीय मूल के आधार पर है। ये कैसे बेहतर माना जा सकता है? कम से कम इस्लाम में धर्म उस व्यक्ति की गहरी मान्यताओं का प्रतिनिधित्व करता है और यह स्वतंत्र रूप से चुना जाता है। लेकिन आप अपनी जाति या उस देश को नहीं चुन सकते जिसमें आप पैदा हुए हैं, इसलिए लोगों का अन्याय करना और उन्हें उनके धर्म के आधार पर वर्गीकृत करना समझ में आता है। लेकिन आपकी त्वचा का रंग या आप किस देश में पैदा हुए हैं वर्गीकरण के लिए एक मूर्खतापूर्ण आधार है, और कम से कम ये कहीं अधिक उत्पीड़न और रक्तपात की ओर ले जाता है। बौद्ध धर्म जैसे शांति प्रिय धर्म पर विचार करें। बर्मी बौद्ध रोहिंग्याओं को नस्लों की पहचान के आधार पर प्रताड़ित करते हैं। सिंगली बौद्ध जातीय पहचान के आधार पर तमिलों को सताते हैं। जापानी बौद्धों ने जातीय राष्ट्रवादी पहचान के आधार पर जापानी साम्राज्यवाद को सही ठहराया। तो हाँ,
भले ही इनमें से कोई भी अपने आप में धार्मिक संघर्ष नहीं है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि ये उत्पीड़न चरित्र में ही जातीय और राष्ट्रवादी है। और केवल बौद्ध ही नहीं है जिन्हें नीच जातिवाद और जातीय राष्ट्रवाद का सहारा लेना पड़ता है। ईसाई श्वेत राष्ट्रवादियों या व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट को देखिए, यहूदी जायनिस्ट को देखिए, हिंदुत्व को देखिए, ये सभी धार्मिक समूह नस्ल पर प्रधानता रखते हैं और नस्ल के आधार पर भेदभाव करते हैं। यह एक सहयोग नहीं है, यह बहुदेववाद के कमजोर दृढ़ विश्वास का उपोत्पाद है। तथ्य यह है कि ये बहुदेववादी धर्म इसे स्वीकार नहीं करते हैं और इस्लाम की आलोचना करते हुए शांति और सहिष्णुता के बारे में सब कुछ होने का दिखावा करते हैं। ये बहुत ही बेमानी है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि ये सभी बहुदेववादी धर्म इस्लाम की आलोचना करने के लिए एक साथ आते हैं। बस ऑनलाइन ही देख लीजिए, आप ईसाइयों को इस्लाम के प्रति जुनूनी देखते हैं, यहूदी जायनिस्ट, बौद्ध राष्ट्रवादी, हिंदुत्ववादी और यहाँ तक कि नास्तिक भी इस्लाम के दुश्मन हैं। वे सभी इस्लाम को लेकर बहुत गुस्से में हैं। आपने शायद ही किसी ईसाई को बौद्ध धर्म ग्रंथ को खारिज करते देखा हो या एक हिंदू यहूदी धर्मशास्त्र का पुनर्निर्माण कर रहा है। वे सभी इस्लाम पर केंद्रित क्यों है? कहने का तात्पर्य यह है कि ये धर्म अपने पारंपरिक सिद्धांतों के आधार पर इस्लाम की आलोचना नहीं करते हैं, बल्कि उनके मुख्य आलोचना यह है कि इस्लाम उदार और पर्याप्त तौर पर आधुनिक नहीं है। इस्लाम महिलाओं के अधिकारों का सम्मान नहीं करता जैसे हम करते हैं। इस्लाम हमारी तरह LGBT का सम्मान नहीं करता। इस्लाम उतना सहनशील और स्वतंत्रता प्रेमी नहीं है जितना हम हैं। ये आधुनिक धर्म निरपेक्ष मूल्यों से ज्यादा कुछ नहीं है जिनके लिए ये धर्म बिक गए हैं। उदारवादी आधुनिकता उनका सच्चा धर्म है और ये सिर्फ एक ईसाई, हिंदू, यहूदी या बौद्ध स्वाद में आता है। लेकिन जैसा कि हमने देखा है, मुसलमान एकेश्वरवाद के इस्लामी मानकों के आधार पर अन्य धर्मों की आलोचना कर सकते हैं जो कि स्पष्ट रूप से अधिक सुंदर, अधिक नैतिक और बहुदेववाद की कुरूपता की तुलना में अधिक सहज रूप से सम्मोहक है। इसके विपरीत ये बहुदेववादी धार्मिक सिद्धांत या तो बहुत प्रतिकूल है या इस्लाम की आलोचना करने के लिए उपयोग होने के लिए बहुत तर्कहीन है। इसलिए वे केवल इस बात का रोना रोते हैं कि इस्लाम उदारवादी धर्मनिरपेक्षता से उसी तरह नहीं बिक रहा है जैसे ये बिक गए हैं। गहराई से वे जानते हैं कि उनके सभी धर्म बिक चुके हैं, लेकिन मुसलमानों ने ऐसा नहीं किया है और वह उन्हें अंदर ही अंदर जला देता है। जो बात उन्हें और अधिक क्रोधित करती है वो ये है कि मुसलमान आत्मसात नहीं होंगे। देखें कि मुस्लिम आप्रवासन या माइग्रेशन को लेकर ईसाई श्वेत राष्ट्रवादी कितने उत्तेजित हैं। देखें हिंदुत्ववादी को कितनी चिंता होती है कि मुसलमान हिंदुओं का धर्मांतरण कर उनसे शादी कर लेंगे। देखें कि यहूदी फिलिस्तीनी जन्म दर को लेकर कितने घबराए हुए हैं। देखें कि म्यांमार में बौद्ध अपने मुस्लिम जनसंख्या के बारे में कितने नाराज हैं। देखें कि पश्चिमी नास्तिकों को मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बारे में कितना गुस्सा आता है क्योंकि वे पश्चिमी मूल्यों को स्वीकार नहीं करते हैं। वे मुस्लिम धर्मांतरण को लेकर चिंतित हैं। वे इस्लामी कानून के प्रति मजबूत मुस्लिम प्रतिबद्धता से घबराए हुए हैं। ये सभी चीजें सीधी तौर पर उस दृढ़ विश्वास से जुड़ी हुई है जो इस्लामी एकेश्वरवाद पैदा करता है, जिसकी इन सभी धर्मों में कमी है। लोग ये मानते हैं कि हर धर्म गहरी विनम्रता, प्रेम और कृतज्ञता पर आधारित है, लेकिन यह धर्म की एक बहुत ही एकेश्वरवादी समझ है। यह मनोविज्ञान केवल बहुदेववादी धर्मों में एक भ्रमित सीमा तक ही मौजूद हो सकता है, लेकिन प्रेम, कृतज्ञता और अपने अधिकतम शुद्धतम रूप में समर्पण पर आधारित गहरा विश्वास इस्लाम में ही संभव है, क्योंकि इस्लाम इन भावनाओं को पूरी तरह से हमारे निर्माता की ओर निर्देशित करता है। यह इस्लाम को सबसे सुंदर धर्म, सबसे न्याय संगत धर्म बनाता है, जबकि बहुदेववादी खुद को झूठे देवताओं को समर्पित करके सबसे बड़ा अन्याय करते हैं। अंततः ये अन्य धर्म जो वे आपको बेच रहे हैं, वे बस यही कह रहे हैं कि आओ ईसाई, यहूदी, बौद्ध, हिंदू बने क्योंकि हम अधिक उदारवादी हैं। आप अधिक व्यभिचार में लिप्त हो सकते हैं, आप अधिक स्वतंत्रता में लिप्त हो सकते हैं, आप नग्न घूम सकते हैं। इन धर्मों का एकमात्र विक्रय बिंदु यह है कि
हम इस्लाम की तरह बुरे नहीं हैं, लेकिन इस्लाम का एक सकारात्मक संदेश है। इस्लाम तौहीद एक शुद्ध एकेश्वरवाद प्रदान करता है, जो आपको अपने निर्माता से जोड़ने वाला मजबूत विश्वास पैदा करता है। अटिक विश्वास जो आपको हानिकारक आधुनिकतावादी या मॉडर्निज्म के हमले के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित कर सकता है। ये इस्लाम के मूल्य हैं और ये वही मूल्य हैं जो मानव जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। ये वही मूल्य हैं जो मुसलमानों को उपनिवेशवाद का विरोध करने, धर्मनिरपेक्षता का विरोध करने, आत्मसात करने का विरोध करने और ट्रांसह्यूमनिस्ट उदारीकरण एजेंडा, जो सभी मानव जाति को नष्ट करने की धमकी देता है, का विरोध करने की अनुमति देते हैं। इस्लाम अकेला खड़ा है और इसका कारण सिर्फ एक विश्वास है, अल्लाह के अलावा कोई भगवान नहीं है।